ब्लेसिंग वर्ड आज मैं तुहाडे लाइव ते डिक्लेयर करन जा रहा, ये वचन जो तुसी आज लेके जा रहे हो, ये जो टच तुसी लेके जा चुके हो, तुसी हो ये वचन आमीन बोल के और अपनी लाइफ च रिसीव करते जाना। व्यवस्था विवरण मैंने स्पिरिट दे रहा तुहाडे लई घोषणा करन दे लई 28 अध्याय। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। मैं आपको ब्लेस करता हूं, पृथ्वी में सब जातियों में से आप ब्लेस है, चुना हुआ वंश है। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य होगा तू अपने नगर में, आप अपने पिंड में, नगर में, मोहल्ले में धन्य होंगे, सबसे ब्लेस होंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास थे, जो पासपोर्ट आपके पास है, उसमें वीजा लगने वाला है। धन्य होगा तुम खेत में, तेरे खेत की उपज बढ़ेगी। दूसरों की कणक दा हजे कणक खरी है ना, हजे ये पकनी है, किसी दी पांच बोरियां निकलूगी तां तुहाडियां सत्त होणगियां, तेरे खेत की उपज बढ़ेगी। वो तुहाडा बिजनेस है चाहे कोई भी है, वह बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम च। तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरी बेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कटौती, धन्य तू भीतर आते समय, तू बाहर जाते समय। आप घर में जाओगे, गुड न्यूज इंतजार कर रही, आप घर से निकलोगे, गुड न्यूज को लोगे यीशु के नाम में। आपको घर से निकलने से पहले दही खाने की जरूरत नहीं है, गुड न्यूज के लेके जॉब मिल जाए आज। ये वचन आपको जीवन दे रहा है। आप घर से निकलोगे प्रभु के नाम से, तो ये वचन आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, क्योंकि ये घोषणा ही है जो मैं आज आपको देता हूं। स्वीट को ले रहे हो, आज से आपका दिन शुरू होता है, तो क्या आपके अंदर बर नहीं रहा आत्मा में, पैदा नहीं हो रहा? हाँ यार, हूं तो लगता पे कुछ हो जाना, हूं बस इतो शुरू होता चमत्कार। जब आपको गवाइयां सुन के, वचन सुन के, आपको ऐसे हलचल अंदर का उमा होने लग गए ना, यार हूं लगता कुछ हो जाना, बस समझ लो होने जा रहा है। इसे कहते हैं फेथ, इसे कहते हैं विश्वास। जब आपका चेहरा उदास होना बंद हो जाए, इसका मतलब विश्वास आ गया आपके अंदर, चमत्कार होने जा रहा है। जब आपके चेहरे में उदासी ना रहे, इसका मतलब विश्वास आ चुका है। जब आपके अंदर डर ना रहे, हूं की बनू मेरा, की बनू की बनू, बीमारी कैंसर हो गया, बोर्ड की जाऊ कटनी यार सोनिया, बच्चे तो नहीं कटनी पड़नी, डॉक्टर बोल दे ये वो, जब आपके अंदर डर खत्म हो गया, इसका मतलब चमत्कार प्राप्त करने के लिए विश्वास आ चुका है। यहोवा ऐसा ही करेगा कि जो शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। हर जो जादू और टोना आपकी लाइफ में करते हैं वो हारने वाले हैं, वो घुटने टेकने वाले हैं। वह एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से सात मार्ग से होके भाग जाएंगे। सात मार्ग मतलब उन्होंने राह कहते ना, राह ही नहीं लभदा किधर नूं भज्जीए। एक मार्ग तो आओगे, जब भजूगे सात मार्ग तो भजूगे, वो किधर नूं जाएंगे, वो इधर इधर पंगा, इधर पंगा, किधर नूं जाएंगे समझ नहीं आ रहा, कितने पंगा ले लिया यीशु वाले नाल। हालेलुया, वो जादू टोने वाले घुटने टेकेंगे। कोई जादू टोना याकूब के घराने पर असर नहीं करेगा। आज की बात आप फ्री हैं हर जादू से, टोने से, हर दुष्ट आत्मा से आप फ्री हैं यीशु नाम में। जब जे स्वीट ले रहे हैं, जे आपके गुड न्यूज का चिन्ह है, आप मीठा बांटते हो ना, तो ये गुड न्यूज का चिन्ह है। हालेलुया, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु सामने से सात मार्ग से भागेंगे। तेरे खत्तों पर और जितने काम पर तू हाथ लगाएगा, उन सबों में यहोवा आशीष देगा। जो भी आपकी फाइल है, जो भी आप लगाने वाले हो, आप एग्जाम देने वाले हो, आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, जिस काम पर भी आप हाथ लगाओगे, आज ये ब्लेस है प्रभु की उपस्थिति में। कई वक्त जब ब्लेसिंग आ जाए ना आपके ऊपर, ब्लेसिंग वर्ड, तो आप ये सोचने की जरूरत नहीं होती कनेडा का लगाएंगे, इंग्लैंड का लगाएंगे, या ऑस्ट्रेलिया का लगाएंगे, या न्यूजीलैंड लगाएंगे, जिथे मर्जी लगा दो, ब्लेस तो होना ही है। कहने जो आशीष आ जाए, वो तुम्हें पता हो कि मेरे उत्ते यहोवा की आशीष आ चुकी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्ग पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। पृथ्वी के देश सब लोग ये देख करके तू यहोवा का कहलाता है, तू उससे डरेंगे। लोग डरते होंगे से कि इसराइलियां दा परमेश्वर आ, इन्हां दा परमेश्वर यहोवा आ, लोग देखेंगे इन्हां दा परमेश्वर कौन आ,
यहोवा पृथ्वी के तुम यहोवा का कहलाता है तो उससे डरेंगे, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसमें तेरी संतान तेरी भूमि की उपज पशुओं की बढ़ती से तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार खोल कर तेरी भूमि पर समय से मीह बरसाएगा। बोलो समय आ चुका है। और तेरी सारी कामों पर आशीष देगा। बोलो आशीष हो चुकी है। और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा परंतु तुझे किसी से उद्धार लेना ना पड़ेगा, और यहोवा तुझे पूछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि यहोवा की सब आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता है मानने के लिए चौकसी करे पूरे मन से। हालेलुया। आज से आप पूछ नहीं, आप सिर हो, आप नीचे नहीं आप ऊपर ही रहेंगे। अप डाउन कैंसल इन जीसस नेम। अप 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 बी ब्लेस इन जीसस नेम। आप ऊपर ही रहेंगे, ऊपर ही जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये बाइबल का पढ़ा हुआ एक वचन नहीं है, ये भविष्यवाणी है आपकी लाइफ के लिए। मैंने कहा ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में। बोलो आई एम सुपर ब्लेस, आई एम सुपर ब्लेस, आई एम सुपर ब्लेस। मेरा उत्तम आ रहा है, मेरा बेस्ट आ रहा है। जो आत्मा में आ चुका है आंखों के सामने आ रहा है। आप बेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं आज यीशु के नाम में। आपका बेस्ट आ चुका है। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। आपका बेस्ट टाइम आ चुका है। वेट इज ग्रेट, वो ग्रेट आ चुका है। थैंक यू जीसस। तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।